छत्तीसगढ़ के कई जिले हाथियों से प्रभावित हैं। इन इलाकों में हाथियों की गतिविधियां इन दिनों तेजी से बढ़ रही हैं। हाथियों की बढ़ती गतिविधियों के साथ इलाके में दहशत का माहौल है। वर्तमान में हाथियों का दल रायगढ़ सरगुजा नवापारा से होकर दुधवा नदी के पास से होते हुए कांकेर जिला में प्रवेश किया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दशकों से हाथियों का प्रभाव बना हुआ है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर हाथी छत्तीसगढ़ कैसे पहुंचे। देखिए, सबसे पहले 1988 में 2-3 हाथी झारखंड तरफ से आए थे। सिंहभूम क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उत्खनन खुदाई वगैरह जब हुई थी तो वो डिस्टर्ब हो गए, और उसके बाद में उड़ीसा क्षेत्र में भी वही हालत रही कि उनके जंगल क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा किया गया, खदान वगैरह खो गई। तब हमारे यहाँ पर हाथी आना चालू हुए। मेनली 20 सालों से हमारे यहाँ पर हाथी की पॉपुलेशन बढ़ करके 300 हो गई है। छत्तीसगढ़ में हाथियों और मानव के बीच द्वंद्व जारी है। 2016 से 2019 के बीच 204 लोगों की मौत हुई और 2016 से 2020 के बीच करीब 46 हाथियों की मौत हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि ये युद्ध आखिर क्यों नहीं रुक रहा है। बहुत ज़्यादा ये लोग खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा इनका पानी का रिक्वायरमेंट रहता है, इसलिए हर दम ये नए क्षेत्र की खोज में रहते हैं। और आज जो इनके फैमिली में 2 साल का अगर मादा शावक है, वो 50 साल की उम्र में अगर परिवार की हेड बनेगी तो उसको ये याद रहेगा कि उसकी दादी, परदादी, नानी कहाँ लेकर के गई थी, और विपत्ति के समय जब अन्न की समस्या होगी, पानी की समस्या होगी, तो वो अपने सोर्सेस को याद करेंगे। 150-200 किलोमीटर ये दूर चले जा सकते हैं कहीं पर भी अपने नए सोर्स के लिए, तो ये सोर्स ढूंढते रहेंगे। वन विभाग हमारे आदिवासियों को और हमारी जनता को ये नहीं समझा पा रहा है कि हाथी के पास नहीं जाए। हाथी एक ऐसा जानवर है जो अपने से रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस चाहता है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए, चाहे वो हिरण हो, चाहे बाघ हो, चाहे उनके जंगल में कोई भी हो, वो उससे दूर रहता है, कोई उसके पास नहीं जाता। और हमारे यहाँ पर यह हो गया है, मेलाबाजी हो गई है, सेल्फी का हो गया है, फोटो खींचने का होता है। 80% डेथ्स हमारी इसलिए हो रही हैं, और रात को जो डेथ्स होती हैं वो हमारे बुजुर्गों की हुई है, एज निकाल करके देखा जाए तो, जो ज़्यादा दूर नहीं देख पाते या ज़्यादा तेज़ी से नहीं दौड़ पाते। तो हमारी जनता को हमको समझाना पड़ेगा कि आप इनसे डिस्टेंस रहिए। वन विभाग वार्निंग देता है, वन विभाग का कहना माने। लगातार हाथियों और मानव के बीच जारी द्वंद्व को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति भी तेज है। विपक्ष लगातार भूपेश सरकार पर निशाना साध रहा है, तो वही सरकार इसे गोलमोल जवाब देकर टाल रही है। सरकार की ना ही कोई कार्ययोजना है, ना ही नीति है, ना ही वो हाथी और मानव द्वंद्व को रोकना चाहती। उसके नाम पर, हाथी परियोजना के नाम पर खाली भ्रष्टाचार चल रहा है। पिछले 2.5 साल में एक कदम भी, एक तिनका भी कोई कार्ययोजना इन्होंने बनाई हो तो जरा जनता के सामने प्रस्तुत करें। हाथी पहले रायगढ़, फिर उसके सरगुजा की तरफ बढ़े, अब वो हाथी नीचे उतरते हुए बार नया पारा से होके इधर दुधावा नदी के पास होते हुए कांकेर जिले में प्रवेश किया है। पिछले साल वहीं से, कांकेर से ही लौटे थे, इस समय भी भानु प्रतापपुर तक पहुंचा है। अब वो पुराने जो उनके रूट रहे होंगे तो वहां से गुजरते हैं, अब वो किस दिशा में आगे बढ़ते हैं वो देखने की बात है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त 2019 को इन हाथियों के लिए एक बड़ी परियोजना लेमरू एलिफेंट रिजर्व शुरू किए जाने का ऐलान किया था। इस प्रस्तावित एलिफेंट कॉरिडोर में 4 वनमंडल के 12 रेंज शामिल किए गए थे, जिनमें धर्मजगढ़, कोरबा, कटघोरा और सूरजपुर क्षेत्र शामिल हैं। इसके तहत परिक्षेत्रों को मिलाकर करीब 450 वर्ग किलोमीटर घनघोर जंगल वाले लेमरू वन परिक्षेत्र में एलिफेंट रिजर्व बनेगा। लेकिन इसका काम अब तक शुरू नहीं हो सका है। देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार कितने वक्त में इस द्वंद्व को रोक पाने में कितनी कामयाब होती है। प्रवीण कुमार सिंह, ETV भारत, रायपुर।